ये है बेड, तीन लोगों के लिए बेड रहता है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये खुद वॉलपेपर लगाए हुए हैं। ये है रूम पे। मेरे दोस्त के रूम में हूँ, प्रिंस ब्रात और राजीव ब्रो यहाँ पे रहते, साफ सुथरा रख सकते हैं, तो वो रूम भी मेरा ए ब्लॉक है, तो मेरे रूम के अंदर भी हम चलेंगे और रूम कैसा रहता है वो भी मैं आपको दिखा। Hey, hello everyone, I'm Somer and welcome to a new vlog. तो आज के ब्लॉग में हम टूर करने वाले हैं हॉस्टल का, रूम का, और हॉस्टल टूर के साथ साथ हम मेस भी देखेंगे, कैसा क्या है सब कुछ देखेंगे। तो आज होने वाला है फुल टूर ऑफ हॉस्टल। सो एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान में हम पढ़ रहे हैं, और अभी मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ कौन कौन से हॉस्टल हैं और कैसे ग्रुपिंग किया गया है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, और उसके बाद देखेंगे हॉस्टल के अंदर भी आएंगे, और हॉस्टल के अंदर आने के बाद हम देखेंगे रूम कैसा है। मेरा रूम तो आप पीछे थोड़ा सा देख रहे होंगे, मैं अच्छे से भी आप लोगों को दिखाऊंगा, चलिए चलते हैं। सो अभी जैकेट पहन लेते हैं क्योंकि बाहर पर बहुत सर्दी होगी, तो चलिए। सो नाउ लेट्स गो। सो अभी हम हैं इंस्टीट्यूट के बाहर, और वहाँ से एक गेट है इंस्टीट्यूट को जाने के लिए, और उस साइड से और एक गेट है जहाँ पे हॉस्टल है, तो मैं हॉस्टल आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो चलिए चलते हैं। यहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी, टैक्सी अगर पकड़ना है, और बाहर पे आपको देखिए ये एक रेस्टोरेंट कम होटल है, वहाँ पर खाना खा सकते हैं। वहाँ पर नौरोदनी है तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, नौरोदनी यानी कि छोटा सा दुकान होता है, कनिके भी बोलते हैं, वहाँ आप जा सकते हैं और यहाँ से ये सब टैक्सी पकड़ सकते हैं। और अभी चलते हैं जो दूसरा गेट मैं आपको बता रहा था, यहाँ से ये मेगाकॉम, बिलाइन, ये सिम कार्ड ले सकते हैं। और ये है हॉस्टल, ये और ये, एक अच्छा सा व्यू मैं ले लेता हूँ आपका अभी। सो अभी मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है हॉस्टल, ये देखिए ये जो है यहाँ पे हम रहते हैं, ये ए ब्लॉक बोलते हैं, यहाँ पे गर्ल्स के लिए है, इंडियन और पाकिस्तानी दोनों गर्ल्स रहते हैं, लेकिन हॉस्टल जो है बॉयज़ के लिए वो एक ही है, बॉयज़ बस इंडियन रहते हैं यहाँ पे। सो ये जो है ये है ए ब्लॉक, वो आगे जो देख रहे हैं वो है बी ब्लॉक, आधा उसमें गर्ल्स रहते हैं आधा रहते हैं बॉयज़, और ऊपर जो है वो मेस है, और यहाँ पर ये है सी ब्लॉक, और ये जो है डी ब्लॉक, और उसके साइड में इंस्टीट्यूट है। तो हॉस्टल से आप निकले और सीधा इंस्टीट्यूट में जाइए। मेरा ए ब्लॉक है तो मेरे रूम के अंदर भी हम चलेंगे, और रूम कैसा रहता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो अभी ये साइड से अभी चलते हैं। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं, लेकिन जब बर्फ़ जमता है ये पूरा वाइट हो जाता है, आपने कुछ ब्लॉक्स में देखा होगा, तो इसको फिर साफ़ करना पड़ता है, तो यहाँ पे गेम्स भी होता है, और इंस्टीट्यूट के ऊपर और एक स्पोर्ट्स के लिए अलग जगह है। तो अभी चलते हैं यहाँ के अंदर। ये जो है अभी हमारा ब्लॉक है, और ये 27 मेरा रूम नंबर है। सो अंदर चलते हैं। सो ये है मेरा रूम, और अभी पर्दा देते हैं क्योंकि लाइट अभी अच्छा दिखेगा। ये देखिए ऐसा एक अलमीरा रहता है, और ये एक अलमीरा दो है, और यहाँ पे ये है पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हैं। ये ऐसा जो स्टूल है वो दो मिलता है आप लोगों को, कारपेट आपको खुद से ख़रीदना होता है, और जो बाल्टी वहाँ पे देख रहे हैं बाल्टी भी आपको खुद से ख़रीदना होता है, और यहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। सो ये है, और ये है बेड जहाँ पे तीन लोग रहते हैं, यहाँ पे एक, वहाँ पे एक, और वहाँ पे एक, सो एक रूम पे तीन लोग। और इसको खोलेंगे तो आपको ये नज़ारा मिलेगा, ये जो है वो है आपका सी ब्लॉक। ये तपलीना भी लगा हुआ है जो कि मैं एक ब्लॉग पे दिखा चुका था, यानी कि आपको गर्म रखता है, और अपने रूम को आप चाहे तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हमने कस्टमाइज नहीं किया क्योंकि मैं हर साल रूम चेंज करता रहता हूं, और एक ही साल बचा है,
और लेकिन आप अगर चाहें तो वहाँ पे अगर हमेशा रहना चाहते हैं तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ वॉलपेपर लगा सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो वैसा भी एक रूम मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कस्टमाइज करने के बाद दिखता है। सो गाइस, अभी मैं मेरे दोस्त के रूम में हूँ, प्रिंस ब्रात और राजीव ब्रो यहाँ पे रहते हैं, तो उनका एक रूम दिखा देता हूँ, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से साफ सुथरा रख सकते हैं। तो वो रूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा रूम तो आप देख चुके। तो ये है रूम, यहाँ पे तीन लोगों के लिए बेड है जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए और टेबल स्टूल है, दो स्टूल ऐसे मिलता है पर रूम जैसे कि मैं आपको बता चुका था। और यहाँ पे देखिए पूजा पाठ करने के लिए अपने हिसाब से इंडियन स्टूडेंट कस्टमाइज करके रखे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। और ये पढ़ाई करने के लिए ये गर्म पानी के लिए यहाँ पे रखा रहता है, आप अपने रूम से आइए और यहाँ से गर्म पानी ले सकते हैं, लेकिन अपने साथ थर्मस लेके आना। और यहाँ पे मामा का एक रूम रहता है, राष्ट्रीय मामा काकवाश नरमाल ना गुड। तो यहाँ पे मामा बैठी रहती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। और ये है वो हॉस्टल हमारा ए ब्लॉक, हेलो। और ये मामा का रूम, आप यहाँ भी आ सकते हैं और मामा से बातचीत कर सकते हैं। और यहाँ पे लॉन्ड्री है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कपड़ा दे सकते हैं। और यहाँ पे पर ब्लॉक यहाँ पे कपड़ा रखा रहता है, ए ब्लॉक बी ब्लॉक सी ब्लॉक, तो अपना कपड़ा यहाँ पे देने के बाद, वॉश होने के बाद आपको यहाँ मिल जाता है। और ये है बाथरूम, और यहाँ पे भी तपलीना लगा हुआ है, और यहाँ पे गर्म पानी के लिए ये भी रखा गया है यहाँ पे हीटर। सो यहाँ पे गर्म पानी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हैं, रेड यानी कि गर्म इस साइड और ब्लू यानी कि इस साइड ठंडा पानी, तो मिक्स करके आप नहा सकते। और ये है टॉयलेट, यहाँ पे आप इसको यूज। और ये है बी ब्लॉक और ऊपर मेस है, तो अभी मेस चलते हैं, अभी खाने का भी टाइम है और आप लोगों को मेस भी मैं दिखा देता हूँ। और नीचे जो है यहाँ पे बच्चे रहते हैं बी ब्लॉक में। लेट्स गो। यह है मेस, यहाँ पे बच्चे ले रहे हैं खाना। वहाँ से खाना ले सकते हैं। सैल्यूट करते हुए ब्रात। और यहाँ का व्यू भी आप देख लीजिए, आज मौसम भी बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे कुक होता है जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे खाना मिलता है। सो गाइस, मैं आपको मेरा रूम दिखा दिया था और आप लोगों को बोला भी था कि कस्टमाइज आप कर सकते हैं। मेरे पीछे जो देख रहे हैं कुछ भाई लोगों का है, प्रतीक यादव और दो और भाई हैं, तो उन लोगों का रूम ये है। तो रूम आप पीछे से देख सकते हैं, मैं आपको बैक कैमरा करके भी दिखा रहा हूँ अभी। तो चलिए रूम टूर देख लेते हैं। क्रिसमस वाला फील ले रहे हैं भाई लोग, पढ़ाई करने के लिए व्हाइट बोर्ड भी लगाए हैं। और ये है बेड, तीन लोगों के लिए बेड रहता है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये खुद वॉलपेपर लगाए हुए हैं। सो ये है रूम टूर। सो गाइस, आप लोगों ने देखा होगा ये वीडियो, होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे मुझे देखने के लिए रूम टूर कैसा रहता है, तो आप लोगों को मैंने रूम भी दिखा दिया, हॉस्टल भी दिखा दिया। और कुछ भी छूट गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इंस्टा पे स्टोरी डाल के बता दूंगा जो भी छूट गया होगा। तो इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, नया फेसबुक आईडी भी मैं खोला हूँ, फेसबुक पेज, वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वो उसका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।